अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। लेट हो गया, ये बॉम्बे का ट्रैफिक ना हाउडेस। हां अच्छा, पिक्चर शुरू करें। स्टार्ट द मूवी, कम ऑन शिवजी, लेट्स स्टार्ट द फिल्म। स्टार्ट द फिल्म, कैन वी स्टार्ट? इट्स अ लवली फिल्म, हमारे फैंस से कहेंगे कि जरूर देखें। यस, बहुत मेहनत की है हमने। एंड आई थिंक वी शुड गो। एक्सक्यूज अस प्लीज, वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। आप फोन पे लगे हुए हैं, क्या हुआ रील का? अरे यार, इसलिए तो फोन लगा रहा हूं, पता नहीं रील क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ सर, ट्रायल है या फिर कैंसिल हो गया? हां हां, बिल्कुल 100% है। पर शिवजी तो चले गए। क्या, शिवजी चले गए? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। बाय द वे सर, हमें भी जल्दी जाना है, हम भी ज्यादा देर रुक नहीं सकते, बहुत जरूरी काम है हमें तो। देखिए देखिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, प्रोडक्शन कंट्रोलर प्रवीण रील लेके आता ही होगा। देखिए फोन आ गया, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। प्रवीण, ये रील कहां है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, क्या प्रोड्यूसर सब क्या हुआ गया? मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? मेरे बेटे को किसने मार दिया? क्या? फर्ज की राह में अपनी जान निछावर करने वाली इंस्पेक्टर अदिति को आज सारा शहर भीगी पलकों से श्रद्धांजलि दे रहा है। अदिति, जिसका पूरा जीवन जाबाजी और वफादारी की मिसाल रहा है, जिस पर पूरी CID को नाज है, वो आज अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा रही है। इसमें मत बोलिए, ये एक गुनहगार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सर मैं जाऊंगी ये काम करने। तुम? यस सर, वो आदमी सिर्फ लड़कियों को अपना निशाना बनाता है, मैं जाऊंगी तो तुरंत सामने आ जाए। LP फिल्म्स के स्टोर रूम में
ठीक है, हम लोग आते हैं। फेड्रिक्स और डक्स को लेके तुम चले जाओ, मैं आईसीपी साहब के साथ रुकता हूँ। सर यहाँ है सर। सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर। क्या करने आए थे यहाँ पर? हमारी जो फिल्म है ना दिल ने कहा, मैं उसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ सर। मैं यहाँ आया था फिल्म की रील लेने के लिए, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ रोहन की लाश पड़ी है सर। सर मैं बेहोश होने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया सर। जब आप यहाँ आए तो आपने यहाँ कोई अजीब बात देखी? किसी और आदमी को देखा आपने यहाँ पे? नहीं सर, जब मैं यहाँ तो कोई भी नहीं था। लगता है कोई तो था। कोई तो था जिसने बुरी तरह से इसकी गर्दन को नोच दिया, और वो चीज चार पैरों पर चलने वाली चीज थी। मतलब कोई जानवर? हाँ, निशान देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई जंगली बिल्ली या चीता जैसे दांतों वाले जानवर ने ये किया है। लेकिन कोई जानवर इस पर हमला क्यों करेगा? ये लड़का शायद अचानक इस कमरे में आ गया होगा, वो जानवर डर गया होगा और इस पर हमला कर दिया। जरा वो पोसक देखा, कुछ है यहाँ। देखा, जानवर का दांत। दांत इतना छोटा सा? हाँ, इस पर किसी बिल्ली ने हमला किया है, एकदम उछलकर इसके गले पर आ गई और इसकी गर्दन को नोच दिया। और ये देखो, यहाँ ये आसपास इतने सारे बाल पड़े हैं, ये बिल्ली के बाल हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बिल्ली ने इस पर अटैक किया तो उसके बाल कैसे गिर गए? अगर इस लड़के का खून एक छोटी सी बिल्ली ने किया है तो वो बिल्ली यहाँ इस कमरे में आई कहाँ से, और इस लड़के को मारने के बाद वो बिल्ली गई कहाँ? सर एक ही रास्ता है, वो बिल्ली आई भी यहीं से होगी और गई भी यहीं से होगी। अगर वो बिल्ली यहाँ इस दरवाजे से गई है तो इसी रास्ते से होकर गई होगी। यहाँ इतना खून पड़ा हुआ है, यहाँ जमीन पर भी खून के निशान मिलने चाहिए। क्या पत्थर किसी अंगूठी में से गिरा है? लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसे पहनते हैं। इस पे तो खून लगा हुआ है, कहीं ये पत्थर इस लड़के का तो नहीं? नहीं, उस लड़के के हाथों में कोई अंगूठी नहीं है। अगर ये पत्थर इस लड़के का नहीं है तो जरूर उस खूनी बिल्ली का होगा जिसने इसे मारा है। आजकल बिल्लियां भी अंगूठियां पहनने लगी है। दक्ष ये बिल्ली भी हो सकती है या उसका कोई रिश्तेदार भी, या तो बिल्ली अपने आप यहाँ आई है या कोई उसे अपने साथ यहाँ लेके आया है और बिल्ली से ये खून करवाया है, समझे? डॉक्टर अंजलिका, इस बार आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी इज्जत अब आपके हाथों में। चलो, सच निकला तो सही है किसी आईडी ऑफिसर के मुंह से। हम झूठ कब बोलते हैं डॉक्टर अंजलिका, इस बार तो ये पत्थर ही है जो कुछ बोल पाएगा। दक्ष सही कर रहा है, वैसे इस पत्थर पे कोई फिंगरप्रिंट तक दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई फंस गया है जाल में। ये क्या चीज है, कोई फंगस? पत्थर पर जाला जैसा कुछ लगा हुआ है। कैसा जाला ये? लैक्ट्रोडेक्टस मैक्टिन्स। इसका मतलब क्या डॉक्टर अंजलिका? एक मिनट। hmm.
ब्लैक विडो स्पाइडर, लैक्टोडेक्टिस मैग्नम, ये एक काले रंग की मकड़ी का बायोलॉजिकल नाम है। बहुत ही जहरीली होती है ये मकड़ी। इसका जाला इस पत्थर पर लगा हुआ है। अमेजिंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस मकड़ी का जाला हमारे देश में मिल सकता है। हमारे देश में तो ये मकड़ी होती ही नहीं है। ये ब्लैक विडो स्पाइडर दुनिया में हर जगह पर नहीं मिलती है। ये काली मकड़ी यानी ब्लैक विडो स्पाइडर दुनिया में सिर्फ अमेरिका और यूरोप के इन हिस्सों में पाई जाती है। तो फिर इस मकड़ी का जाला उस पत्थर पे कैसे आ गया? कोई रिसर्च करने के लिए शायद कुछ मकड़ियां यहाँ पे लाया होगा। सर, आसपास जितने भी जूलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने हर जगह इस मकड़ी के बारे में पूछताछ की। फिर सर पता चला है कि 1993 में 1993 में मुंबई के डॉक्टर दीपांकर ने ब्लैक विडो स्पाइडर के जहर पे रिसर्च करने के लिए अमेरिका से कुछ मकड़ियां मंगवाई थी। दक्ष, क्या तुमने पता किया कि डॉक्टर दीपांकर ने रिसर्च करने के बाद उन मकड़ियों का क्या किया? जी हाँ, रिसर्च के बाद उन मकड़ियों को शांतिवन नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मगर नेशनल पार्क में जहाँ इन जहरीली मकड़ियों को छोड़ा गया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता होगा। तो फिर ये पत्थर की अंगूठी पहनने वाला आदमी अंदर वहाँ पहुँचा कैसे होगा? सर, 5 साल पहले शांतिवन नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। दक्ष, हमें फौरन इस शांतिवन नेशनल पार्क में जाना होगा। दया, तुम जानते हो इस मकड़ी को ब्लैक विडो क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये मकड़ी अपने ही मकड़े को खा जाती है और विधवा हो जाती है। इस केस में शायद यही हुआ है, मकड़े को किसी ने खा लिया है। लगता है कोई आता जाता नहीं है यहाँ। इस शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है? यहाँ पे इतने लोग रहते हैं कि कोई कोना छूटा नहीं है। पानी के बॉटल्स, खाने का सामान, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ लोग जाते नहीं हैं। प्लास्टिक के बॉटल्स और कचरा फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से देखो, हमें यहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चल फ्रेडरिक्स, ये देखिए सर, किसने लाश गाड़ दी है क्या यहाँ पे? लगता है आजकल में ही गाड़ा है सर। सर, दक्ष, कटावा सिर तो नकली है, मिट्टी का बना हुआ है। ये हाथ भी नकली है, रबर का बना हुआ है। ये सिर और ये हाथ यहां क्यों गाड़े होंगे? नकली लाश, शायद यहां किसी फिल्म की शूटिंग हुई है और जाते जाते वो लोग मुर्दे ले जाना भूल गए। वाउचर है, डेट भी लिखी है, 3 दिन पहले की। सर, इस पर एलपी प्रोडक्शन लिखा हुआ है। एलपी प्रोडक्शंस, ये तो उसी प्रोड्यूसर की कंपनी है जिसके बेटे का खून हुआ है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? कुछ पता करना था आपसे हमें, देखते हैं कुछ बता पाते हो या नहीं। अरे पूछिए तो सही सर, आपके इस फिल्म यूनिट में किस किस आदमी को पत्थर पहनने का शौक है? पत्थर? हाँ पत्थर, मतलब प्रेशियस स्टोन्स, हीरे मोती। ये देखो, ये नीलम कौन पहनता है? ऐसा पत्थर तो मैंने सिर्फ एक ही आदमी को पहने देखा है। कौन है वो आदमी? सर, शील कुमार। शील कुमार, वो सुपरस्टार? जी हाँ सर, वही।
आसमान में जितने भी ग्रह हैं, मंगल, बुध, राहु, केतु, सब उसकी मुट्ठी में बंद हैं। सर, आप लोग यहीं रुके, मैं शील कुमार से मिलकर आता हूं। क्यों? सर, एक मिनट। सर, वो शायद शील कुमार मेरा भविष्य बता दें, ये बता दें कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी शादी कब होगी। यार, शादी के बारे में तो, अरे सर, सारी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि उन्होंने दुनिया का हर पत्थर अपने हाथ में पहन रखा है। उसने तो राहु और केतु के मुंह भी अलग अलग दिशा में कर दिए हैं। वो कैसे? सर, उन्होंने दाहिने हाथ के अंगूठे में दो अंगूठियां पहन रखी हैं। राहु का मुंह अंदर की तरफ और केतु का मुंह बाहर की तरफ। चल भाई, जल्दी से शील कुमार के घर चलते हैं, इससे पहले कि हमारे सितारे गर्दिश में चले जाए। शील कुमार है? वो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी वालों को बुलाया है? मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। क्या होगा? आप कहना क्या चाहते हो? है कौन आप? मैं एक वेटरिनरी डॉक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शील कुमार जी की बिल्ली को देखने आया था, उसकी मौत हो गई। क्या? शील कुमार की बिल्ली की मौत हो गई? मुझे तो पता था एक ना एक दिन ऐसा ही होगा साहब। क्यों? बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी साहब, एक दिन तो मेरे ऊपर ही हमला करने आ गई। उस बिल्ली की लाश कहाँ? वहाँ, वहाँ शील कुमार जी उसे गाड़ रहे हैं। गाड़ रहे हैं? अभिजीत, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो शील कुमार के साथ? इस तरह का सवाल पूछने का क्या मतलब है? ये शील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शील कुमार जी, आपकी बिल्ली की मौत हुई कैसे? वो क्या कि डॉक्टर का कहना है कि इसे जहर दिया गया था। वो बिल्ली ने शायद चूहे मारने वाली दवाई खाई है। वो दवा मैंने घर में पड़ी हुई देखी थी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है चूहे मारने की दवाई खा के मरी है ये बिल्ली? पता नहीं। अभिजीत, इस बिल्ली को यहाँ पे गाड़ना ठीक नहीं होगा। क्यों? हमें इसे फॉरेंसिक लैब भेजना होगा। बिल्ली को फॉरेंसिक लैब में भेजना होगा? कोई बड़ा मामला है? हाँ। क्या हो गया? कोई मुझे मारना चाहता था इस जहर से? शील कुमार जी, शायद इस बिल्ली ने किसी का खून कर दिया। खून? हाँ, खून। अगर ये बिल्ली जिंदा होती तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता और साथ में आपको भी। फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे रोहन की लाश जिस हालत में स्टोर रूम में मिली थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उसे शायद किसी जंगली बिल्ली ने मारा है। अशील कुमार के पास भी ऐसी खतरनाक बिल्ली थी। यह शक है कि शायद उस बिल्ली से ही यह खून करवाया गया। फिर भी तुम उस बिल्ली को गाड़ने में शील कुमार की मदद कर रहे थे। मगर सर, शील कुमार की बिल्ली का इस खून से क्या कनेक्शन है? अभिजीत, ये शक है, गंभीर शक। और सबसे बुरी और बड़ी बात यह है कि तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो ये खून छुपाने में। मैं? सर, आज तक किसी ने मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया। बिना इस केस की पूरी तरह छानबीन किए तुम बिल्ली को जमीन में गाड़ने में मदद कर रहे थे। सर, डॉक्टर ने उस बिल्ली को अच्छी तरह से देखा था। उसका कहना था कि मौत जहर से हुई है। शील कुमार के घर में चूहे मारने की दवा मैंने खुद देखी थी सर। मुझे लगा कि बिल्ली ने शायद वही दवा खा ली होगी। शील कुमार शक के घेरे में, और जब एक डाउट हो जाता है तो उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। मगर सर, मैं ये केस एसीपी आजाद शत्रु को दे रहा हूं। सर, ये तो सरासर बेइज्जती है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एसीपी आजाद शत्रु। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रोड्यूसर के लड़के की डेड बॉडी और वो मरी हुई बिल्ली दोनों ही स्पेशल ब्यूरो की लैब में भेज दी गई है। अभिजीत, अगर शील कुमार खूनी हुआ तो खूनी का साथ देने के इल्जाम में
तुम्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। Thank you.